हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि, आप सभी को मेरी चैनल में स्वागत करती हूँ। दिवाली स्पेशल, सभी के घर में बनती है ढेर सारी स्नैक्स एंड नमकीन के रेसिपी। मैं भी आप लोगों के लिए आज बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली है काजू के बिस्किट और कुछ नमकीन के रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम मार्केट जैसी बनने वाली है काजू के बिस्किट, एकदम चटपटे, एकदम क्रिस्पी। और ये जो निमकी है एकदम परफेक्ट लेयर खुलेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खास्ता एंड कुरकुरा बन के रेडी होगी। सो फ्रेंड, देर ना करके चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छा लगा तो ढेर सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आप हमें कहाँ से देख रहे, जगह के नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपको थैंक्स कर सके। सो फ्रेंड, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया हूँ और मिक्सिंग बाउल में दो बाउल में यहाँ पे मैदा ऐड कर रही हूँ। आज हम मैदा का एक ही डो में दो तरह का स्नैक्स बना के रेडी करेंगे। मैदे को मैं यहाँ पे अच्छे तरह से छान के ले लिया हूँ। अब जब भी मैदा का इस्तेमाल करें छान के इस्तेमाल करें। फिर गाइज, मैं यहाँ पे एक बड़ी चम्मच अजवाइन को हाथों में क्रश करके डाल रही हूँ। अजवाइन हाथों में क्रश करके डालने से क्या होती है, उसका जो फ्लेवर है, स्मेल है, बहुत ही बढ़िया से उभर के आती है। फिर गाइज, मैं यहाँ पे आधा छोटी चम्मच काली जीरा डाल रही हूँ, कलौंजी, और थोड़ी से नमक डाल के इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे चार बड़े चम्मच ऑयल डाल के इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। परफेक्ट मोयन इसका होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो नमकीन बहुत ही खस्ता बन के रेडी होगी। ऑयल को मैदा के साथ हम बढ़िया से हाथों में मसल मसल करके मिक्स कर लेंगे। मैदा में आपका मोयन परफेक्ट तरीके से बना है कि नहीं आपको कैसा पता चलेगा, आप मैदा को ऑयल में मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी करके देखें। अगर ये परफेक्ट मुट्ठी में बन रही है तो आपका मोयन एकदम परफेक्ट बना है। फिर गाइज, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे आटे जैसे गूंथ लूंगी। आप यहाँ पे एक साथ ज्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सख्त डो बना के रेडी कीजिए, बढ़िया से गूंथ लीजिए। नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे आटा एकदम बन के रेडी हो चुकी है। आज हम एक ही आटे से दो तरीके से नमकीन बना के रेडी करेंगे। आटा को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे गाइस 10 मिनट हो चुकी है। आटा को हम फिर से थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे। मसल लेने के बाद इसे हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। फिर गाइस, मैं यहाँ पे एक लोई ले लूंगी, उसके बेलन के ऊपर इस तरह से रख के अच्छे तरह से थोड़ा सा चपटा कर लूंगी। चपटा हो जाने के बाद हम बेलन के हेल्प से इसे बढ़िया से बेल लेंगे, लेकिन हमें ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा बेल के हमें इसे रेडी करनी है, एकदम रोटी के जैसा पतला नहीं बेलेंगे। मैदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है, जितना बेलते हैं फिर उतना ही ये छोटा हो जाती है। इस तरह से जब रोटी बन जाएगी फिर हमें क्या करनी है, कोई भी बोतल का एक ढक्कन ले लेंगे, इसे कट करके निकालते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है इसे निकालना, एक दो बार बस कट हो जाने के बाद ये बहुत ही बढ़िया से निकल जाती है, एकदम काजू के शेप में दिखने लग जाती है। मार्केट से एक इसी काजू के गट्टे चाहिए को हम 50-50 रुपए में खरीद के लाते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत में बहुत ही कम खर्च में घर में बन के ये रेडी हो जाती है। आसान तरीका, इस तरह से आप जरूर बनाएं। कभी नहीं देखे आपको मेरी रेसिपी कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को ढेर सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रोटी में से इतने काजू के बिस्किट बन सकती है। फिर गाइज, हम दूसरे नमकीन के तैयारी कर लेते हैं, फिर एक साथ दोनों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं दूसरा लोई को ले लिया हूँ, उसे अच्छे तरह से लंबाई में रोल कर लूँगी और पूरियों की तरह हम छोटे छोटे इसे टुकड़ों में कट कर लेंगे या फिर हाथों में इसे तोड़ लेंगे। लोई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेने के बाद उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा या फिर मैदा छिड़क के हम इसे पूरियों की तरह से बेल लेंगे। जब छोटा सा एकदम पतला बेल के यहाँ पे रेडी करेंगे, पूरी जितना मोटा उससे भी बहुत ही पतला हम इसे बेल के रेडी करेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। यहाँ पे एकदम पतला वाला पूरी बन चुकी है। फिर गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑयल बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। चारों ओर ऑयल बढ़िया से ग्रीस हो जाने के बाद फिर गाइस, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा बढ़िया से चारों ओर छिड़क लूंगी। फिर गाइस, इसे हम फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड कर लेने के बाद उसी सेम प्रोसेस में हम इसके ऊपर भी करेंगे। ऑयल को हाथों में बढ़िया से लगा लेंगे चारों ओर, फिर इसके ऊपर हम सूखा आटा छिड़क लेंगे, फिर इसे हम दोबारा सब फोल्ड कर लेंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से करने से क्या होती है, जब भी हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे उसके सारे लेयर परफेक्ट तरीके से खुलेगी। बस इसे हम हल्के हाथों में थोड़ा सा बेल लेंगे और रख लेंगे। इसी तरह से सारे लोई को हम इसी सेम प्रोसेस में सेट करके रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे सारा लोई को हम इस तरह से बेल के रेडी कर लिए हैं। सो फ्रेंड, चलिए गैस की ओर चलते हैं। पहले से ही मैं गैस के ऊपर ऑयल वाला कढ़ाई को रख दी थी। ऑयल को मीडियम फ्लेम में बढ़िया से गरम कर लिया हूँ। ऑयल जब मीडियम फ्लेम में गरम हो जाएगी, फिर कई जिस तरह से हम काजू का जो बिस्कुट है हम ऑयल में डाल देंगे, और ऑयल में डालने के बाद इसे एकदम हम लो फ्लेम में थोड़ा सा टाइम देके इसे बढ़िया से क्रिस्प होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इस तरह से उलट फुलट करके हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बिस्किट है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुकी है, और थोड़ा सा कलर हो जाए फिर हम ऑयल से इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्किट जो है हमारा बढ़िया से कलर हो चुकी है, हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये बढ़िया से क्रिस्पी बनी है, लेकिन इसका मसाला अभी बनाना बाकी है। सब रेसिपी में बने रहे, इसका चटपटा मसाला कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए, तभी जाके बिस्किट खाने का मजा कुछ अलग ही होगा। इन सारे बिस्कुट को ऑयल से बाहर निकाल लेने के बाद हम जो दूसरे नमकीन बना के रेडी किए थे उसे भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑयल हमारा बहुत ही ज्यादा गर्म थी, इसलिए मैं पहले गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी, ऑयल को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। फिर गाइस, जब मीडियम फ्लेम में ऑयल गर्म हो फिर हम यहाँ पे नमकीन को डाल देंगे फ्राई होने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल गर्म होने पे हम ये वाला नमकीन अगर बनाएंगे तो वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर जल्दी हो जाती है और क्रिस्प बन जाती है, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाती है। इसीलिए आप एकदम लो फ्लेम में इसे फ्राई कीजिए, और जब दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए फिर गाइज इसे ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो निमकी है वो बहुत ही बढ़िया से कलर हो चुकी है। अभी इसी स्टेज में हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और उसी सेम प्रोसेस में बाकी सारी निमकी को भी हम फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड, एक बार इस तरह के नमकीन को बना के आप एयर कंटेनर जार में रख के महीनों एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए काजू का जो बिस्किट का जो मसाला है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आधा छोटी चम्मच काला नमक ले रही हूँ, क्योंकि नमकीन में काला वाला नमक बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर हम इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च के पाउडर डाल देंगे। नमकीन को चटपटा बनाने के लिए आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच आमचूर के पाउडर और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च के पाउडर, इन सारे मसालों को डाल के हम काजू के बिस्किट के साथ बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले से तो इतना चटपटी और इतना स्वादिष्ट लगती है, मार्केट में मिलने वाली बिस्किट तो इसके आगे फीका ही पड़ जाएगी। सो फ्रेंड, इसी तरह से एक बार आप बना के देखिए, उंगली चाटते रह जाइए, मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों तरह का नमकीन बनके यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निमकी में सारे पर्दा एकदम परफेक्ट तरीके से खुला है, और यहाँ पे कितना क्रिस्पी बना है आप सुन सकते हैं, और यहाँ पे बहुत खस्ता बन के रेडी हुआ है। सो फ्रेंड, इस तरह का नमकीन आपके त्योहार को बहुत ही खुशियों से भर देगी। आप ये रेसिपी दिवाली में जरूर बनाएं, और रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस। फ्रेंड, रेसिपी अच्छा लगा चैनल को ढेर सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे ही बहुत सारी न्यू एंड यूनिक रेसिपी के लिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।